और ये माशाल्लाह जबरदस्त। आप ये वाला पकड़ो। तो ये देसी मुर्गा भी तैयार हो गया हमारा। तो वंस अगेन गुजरात से एक ऐसा रेस्टोरेंट, अवामी रेस्टोरेंट आपके लिए लेकर आया हूँ, जहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आपको ऐसी रश मिलेगा। यहाँ पर इनकी स्पेशल मटन कढ़ाई, यहाँ पर इनका स्पेशल असील देसी मुर्गा। और इनकी मटन कढ़ाई में खासियत ये भी है कि यहाँ पर आप अपनी मर्जी का गोश्त कटवा कर वो बनवा सकते हैं, जो अमूमन तो आपको नमकीन गोश्त वाली कढ़ाइयों की दुकानों में मिलती है, लेकिन वैसे आपको ओवरऑल रेस्टोरेंट पे नहीं मिलती। वहाँ पर उन्होंने वही हाफ डन किया हुआ गोश्त ही आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इनकी स्पेशल देसी घी में और देसी घी के तड़के के साथ बनाई गई दाल, जो पूरे दिन में ये तकरीबन 3 मल यानी 120 किलो दाल हाली बेचते हैं। ये रेस्टोरेंट आपको कहाँ पर मिलेगा और यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा सब आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। मैंने जो कढ़ाई लगवाई है वो सारी चांपों की बनवाई है। ये एक बदमाश मुर्गा है यहाँ पे। अब इस मुर्गे को जो है ना आज हलाल करके तो इसकी बदमाशी खत्म करनी है। ये वही बदमाश कुकड़ था जो पहले तो बड़ा फुदक रहा था और अब इसका ये हाल हुआ। सो फाइनली आज मैं मौजूद था मंजिले शौक पे। मंजिले शौक एक मैं बता दूँ कि ये यहाँ पर अपने इस इलाके में जो हमारा ये ख्याली वाला एरिया है, शहूपुरा रोड, काफ़ी मशहूर और काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है जो कि 36 साल से यहाँ पर मौजूद है। इसकी लोकेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसकी लोकेशन अगर आप शहूपुरा बस स्टॉप से आ रहे हैं शहूपुरा रोड के ऊपर, तो आपको ख्याली अड्डा के बाद जो है वो दाएँ तरफ मिलता है। और अगर आप ख्याली बाईपास से गुजरावंदा सिटी के लिए एंट्री लेते हैं तो आपको तकरीबन ख्याली बाईपास से 1 किलोमीटर अंदर बाएं तरफ आपके मिलता है मंजिले शौक। और अब इसके थोड़ा एम्बियंस में बता दूं कि इनके पास जो है फैमिली हॉल मौजूद हैं, मतलब सिटी एम्बियंस इनका अवामी रेस्टोरेंट टाइप है। लेकिन यहाँ पर आपको हर वक्त सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ऐसे ही रश मिलेगा, आवाम का हजूम मिलता है। और इनके पास जो इनकी जो फेमस इनकी जो दाल है खासतौर पर, जो कि तकरीबन 100-120 किलो ये डेली सेल करते हैं वो चीज़। और इनकी जो मटन कढ़ाई में 2-3 जो खासियत जो मुझे पसंद आई, एक तो ये है कि आप अपनी मर्ज़ी का गोश्त कटवाएँ और आकर उसको बनवाएं जिस हिस्सा का भी आप खाना चाहते हैं। फ्रेश गोश्त बनेगा तो उसमें आपको 1 घंटा लगेगा। और इसके बाद इनकी जो कढ़ाई है वो जो एक किलो इनकी कढ़ाई है वो पूरा 900 ग्राम साफ़ी गोश्त का वज़न होता है। और 900 ग्राम वो इसलिए रह जाता है कि 100 ग्राम जो सफाई वगैरह करके उतर जाता है, 900 ग्राम साफ़ी गोश्त का वज़न उसकी कढ़ाई बनती है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे शहर में या कहीं भी जो अक्सरियत रेस्टोरेंट्स बने हैं उनकी कढ़ाई जो है वो 700 ग्राम या 800 ग्राम की होती है, और बाद की तो ऐसे होती है कि वो ग्रेवी समेत इतने वजन की होती है। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि आपको क्वांटिटी जो है वो पूरी मिलेगी। और फिर इसके बाद इनके जो देसी मुर्गे की कढ़ाई है, देसी मुर्गा भी आप अपने सामने जो आपको मुर्गा पसंद है आप उस मुर्गे को निकलवाएं। और मैं अक्सर जो ऐसी ऑप्शनल चीज़ होती है ना उसके अंदर जो मैं मुर्गा निकलवाता हूँ देसी, वो काली टांगों वाला या ग्रे टांगों वाला निकलवाता हूँ। मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मैं कभी इसमें वो गोल्डन टांगों वाला मुर्गा नहीं निकलवाता। खैर वो जो आज हम लोगों ने जो देसी मुर्गा बनवाया था। और फिर मज़े की चीज़ इनके रेट, इनकी मटन कढ़ाई 2000 रुपये किलो आपको मिलेगी, लेकिन इनका जो किलो है वो पूरा क्वांटिटी वाला आपको मिलेगा। उसके बाद इनकी जो चिकन कढ़ाई है, जो देसी मुर्गी की कढ़ाई है, वो भी आपको 2000 रुपये किलो मिलती है, लेकिन अगर आप उसको देसी घी में, मक्खन में या जैतून में बनवाते हैं तो वो आपको 2300 रुपये किलो मिलेगी। इसके अलावा इनके पास बेशुमार मेन्यू हैं जो अवामी होटलों में होता है, जिसके अंदर आपको इनकी दाल माश आलू बीफ कीमा मिल जाएगा आपको। इसके अंदर इनकी बिरयानी जो कि स्टीम चिकन और आपको ग्रिल चिकन में मिल जाएगी। इसके बाद इनके पास बारबेक्यू की भी सही वैरायटी है। इसके बाद मटन बारबेक्यू इनके पास मिल जाएगा। लेकिन मैं जो चीज़ें आपको रेकमेंड करूँगा खासतौर पर, आप इनका देसी मुर्गे की कढ़ाई टेस्ट करें, देसी की करें या दूसरी सादी करें, दोनों कढ़ाई इनकी आपको अच्छी लगेंगी इंशाल्लाह। तो इसके बाद जो इनकी मटन कढ़ाई है वो भी आपको पसंद आएगी। और इसमें जो इसके बाद जो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आएगी कि इतना कुछ लगवाने के बाद भी आपका बिल बड़ा मुनासिब बनेगा। यहाँ पर लोकेशन आपको समझा दी। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपके साथ किसी नए खाबे के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।